अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। साहब जी, ये लड़की सच कह रही है और मैंने ही बचाया है इसे इनसे और इनके दोस्तों से। मामा, ये झूठ बोल। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। हमारे घर में रह के ये परवरिश दी हमने तुमको। हाँ, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे नाना कौन थे? क्या तुम भूल गए कि मैं कैसा हूं? तुम हमारे बीच के नहीं हो सकते। तुम हमारे बीच के? भैया, क्या कर रहे हैं भैया? बच्चा है वो, पार्टी का दिन था, गलती हो गई उससे, माफ कर दीजिए उसे। वैसे भी आज त्योहार का दिन है। तुम हमारे घर में आई हमारी सेवा करने के लिए। तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी थी और मुझसे गलती हो गई, क्योंकि हमारे घर के बच्चे ने ही तुम्हारे साथ ये बेशर्मो जैसा सलूक किया। हमारे घर की परंपरा है कि लड़की चाहे घर की हो या बाहर की, उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लेकिन शायद हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई हो, जो हमारे घर के लड़के ने ऐसी घिनौनी जुर्रत की। मेरे माता पिता हमेशा से मेरी बड़ी बहन को और मेरी बीवी को भी मुझसे और मेरे छोटे भाई से ज्यादा मान देते थे, और हमें भी यही सिखाया गया है। लेकिन शायद हम इस नालायक को ये सबक नहीं सिखा पाए, इसलिए मैं तुमसे सच में माफी मांगना चाहता हूं। मेरा बस यही मानना है कि पैसा कभी भी इज्जत की भरपाई नहीं कर सकता। ये लड़का तुम्हारा गुनहगार है, तुम जो सजा चाहे इसे दे सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं खुद पुलिस को कंप्लेन कर सकता हूं। ये हुई ना बात। सर, आपने सच का साथ दिया और आपने जो गलती की नहीं उसकी आप माफी मांग रहे हो। आपके घर के एक मेंबर ने मुझे बचाया इन लड़कों से, बस इतना काफी है मेरे लिए। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया है। अब मुझे ये बात बढ़ानी नहीं है, मैं चलती हूँ। रुकिए, ड्राइवर से कहो कि इन्हें इज्जत समेत घर छोड़ के आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई हो, इसलिए आर्यन ना हमारे परिवार के संस्कार सीख पाया और ना ही कोई सभ्यता। बेहद अफसोस है ये कि ना आर्यन घर का बेटा बन पाया और ना ही हमारे बिजनेस के उसूल सीख पाया। शिक्षा और संस्कार की फील्ड में हम एजुकेशन सिर्फ हमारे लिए प्रोफेशन नहीं बल्कि हमारा मिशन भी है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आने वाले 5 दिनों में हमें ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे आगे जाकर हमें अफसोस हो।
गोद लेने की रस्म हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बेटा रस्म से नहीं, बाप के कदमों पे चलकर, उसके रास्तों पे चलकर बेटा बनता है। और जब तक आ रहे इस परिवार के संस्कार और मूल्यों से जुड़ता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता कायम नहीं होगा। की लड़की ने दो मिनट में, सिर्फ दो मिनट में मेरे 20 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया, जिस सपने को साकार करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, उस गवार की एक गवाही से सब कुछ टूट गया, सब कुछ टूट गया। लेकिन नहीं, इतनी आसानी से ये नहीं बिखर सकता, नहीं बिखर सकता। मैंने सालों साल इस दिन के लिए दिन रात एक किया, ताकि ये बे औलाद माधव और दामिनी मेरे बेटे को गोद ले, और उसके बाद मेरा बेटा आर्यन भारद्वाज परिवार की सारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बन जाए। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा, मैंने सब कुछ किया, सही गलत सब कुछ। लेकिन अचानक एक दिन दामिनी ने सरगसी से बच्चा पैदा करना चाहा। बात छुपाई थी? कौन सी बात छुपाई थी? दीदी आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि दामिनी के 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। दरअसल ये सलोनी का ही आइडिया था सरगसी का, मतलब अगर दामिनी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो हम किसी और की कोख किराए पर ले सकते हैं। नहीं, नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि माधव के इस घर में बच्चे की किरकारियां गूंजे, इसलिए मैंने वो सरगसी ही नहीं होने दी। दामिनी और माधव आज मुंबई के लिए निकल रहे हैं। वहां मुंबई में दादर में एक डॉक्टर प्रसाद है। डॉक्टर प्रसाद ने उन्हें फोन करके ये बताया है कि उन दोनों का जो सैंपल है वो फर्टिलाइज हो चुका है और वो एम्ब्रॉय बन गया है। अब इसके बाद उन्हें एक सरोगेट कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी किराए पे कोख लेने के लिए, और वो सरोगेट कैंडिडेट तुम बनोगी। ओके, तो मेरी बात समझ रही हो ना? जी। डॉक्टर प्रसाद सरोगेट कैंडिडेट के लिए वहाँ एक सोशल वर्कर की हेल्प लेती है, मैंने उसका नंबर ढूंढ निकाला है, उसका नाम कादंबरी है। ओके। तो मुंबई जाओगी और कादंबरी से मिलोगी और उसे राजी करोगी कि सरोगेट कैंडिडेट के लिए वो तुम्हें ही चुने, और सरोगसी से ठीक पहले तुम वहां से गायब हो जाओगी। आपका काम हो जाएगा। इनसे मिलो, ये है भारद्वाज सर और ये है साधना। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अचानक गायब हो गए? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? कोई ऐसा तो नहीं कि हमसे आप पैसे लेने की कोशिश करते हैं? वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही, लेकिन उसके घर का एड्रेस मुझे पता है। साधना कहाँ है? साधना? यहाँ तो कोई साधना नहीं रहती है। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था। सरगसी फेल हुई, अचानक दामिनी की मौत हो गई। एक बार फिर 14 महीने का लंबा इंतजार मैंने किया, मैंने अपने बेटे के लिए अपने बेटे को माधव के सामने
बेटे के रूप में पेश किया। माधव को मैंने राजी कर लिया था कि वो आर्यन को गोद ले ले। बस एक हफ्ते बाद मेरा बेटा आर्यन माधव का वारिस बनने वाला था, उत्तराधिकारी बनने वाला था, लेकिन नहीं नहीं, ये दो टके की नौकरानी जिसको इस घर में आए चंद घंटे भी नहीं हुए, उसने मेरे 20 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन अब नहीं आराधना, अब इस घर में सच बोलना तो दूर, तुम सांस लेने में भी घबराओगी। ये इस मेनका का वादा है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे ओ चंदा जी, जलेबी दीदी, 4 साल हो गए तुझे इस घर में काम करते हुए, कभी इस घर में झगड़ा होते हुए देखा है? नहीं। और कभी आर्यन बाबा को किसी से डांट पड़ते हुए देखा है? नहीं। अच्छा एक बात बता, इस घर की मालकिन कौन? अरे बता ना। इस घर की मालकिन तो मेनिका मैडम है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं जलेबी दीदी? वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस घर के नौकरों को पता होना चाहिए कि उनके मालिक का नाम क्या है। और एक बात बता, आज तक तूने मेनिका मैडम को कभी नाराज किया है? राम कसम दीदी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो हमें पहले दिन से इस घर के सारे नियम कायदे समझा दिए थे। वो इसलिए समझाए थे क्योंकि इस घर में नौकरों को काम पे रखने के लिए जिम्मेदारी हमारी थी, और अगर कोई अनजान लड़की हमें बिना बताए इस घर पे काम पे रख ली जाती है तो फिर इसका वही अंजाम होता है जो कल पार्टी में हुआ था। और ऐसा तब होता है जब कोई नौकर अपने आप को बाकियों से ऊपर समझता है, वो सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है, और ये ताजा ताजा खिली कली इसे ये नहीं पता कि इस घर को संभालने की जिम्मेदारी मेनिका मैडम की है, वो हम सबकी मालकिन है, इससे तो उन्हीं के बेटे पे अब पता नहीं मेनिका मैडम के गुस्से से इसे कौन बचाएगा। मैडम जी आप यहाँ? कल रात अचानक तुम्हें हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स में शिफ्ट होना पड़ा। घर में पार्टी चल रही थी इसलिए हम ठीक से तुम्हारी पहचान नहीं कर पाए। ये घर बरेली में सबसे इज्जतदार और मशहूर घर है। इस घर में हर चीज पूरी तरह से जांच परख की जाती है, और ये बात इस घर के नौकरों पर भी लागू होती है। उन्हें काम पर रखने से पहले उनके सारे डिटेल्स देखे जाते हैं, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तुम्हें अपना पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ देना होगा। ये कागजात है ना तुम्हारे पास? नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो होगा, क्या 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 बोलते हैं उसे, राशन कार्ड है? नहीं है। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? मैडम जी इसके पास तो कोई कागज ही नहीं है इसकी पहचान का, इसे कैसे रख सकते हैं यहाँ पर? निकाल देते हैं इसे आज ही। चल चल निकल यहाँ से। नहीं, देखिए मुझे ना 1 साल पहले अचानक ही मेरा घर छोड़ना पड़ गया था, इसलिए मेरे पास मेरे और मेरे बच्चे के कोई भी पहचान पत्र नहीं है। कहाँ है तुम्हारा ये घर? मुंबई में है। अचानक से मुंबई छोड़ी 1 साल पहले? हम इनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। हाँ ठीक है मैडम जी, करिए बात करिए। ए चंदा चल 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 बाहर चल, आज तो इसकी खैर नहीं। आज तो मैडम जी इसे इस घर से ही नहीं बल्कि शहर से भी बाहर निकाल देगी, हो सकता है इसे जेल भी करवा दें। रुक सुनती हूँ मैं।
मैडम जी, मुझसे कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि साहब किसी पर गुस्सा करें। उन्होंने बस मुझसे कुछ पूछा और जो भी सच मैं जानती थी वो मैंने उन्हें बता दिया। कल माधव ने सबके सामने ये कहा कि तुम हमेशा सच का साथ देती हो और तुमने बिल्कुल वही किया। अच्छा लगा। लेकिन हमारा भाई तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है, वो कैसे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे नाराज नहीं हैं, क्योंकि तुमने बिल्कुल वही किया जो हमारे भाई ने कहा था। माधव ने हमसे ये भी कहा था कि हम तुम्हारा ख्याल रखें, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम हमें बता सकती हो। नहीं, मुझे तो यहाँ जरूरत से ज्यादा हर चीज मिल गई है। तुमने कहा ना कि तुम मुंबई में रहती थी, तो इतने बड़े शहर में माधव तुम्हें कैसे मिल गया? ऐसे ही रोड के किनारे। मेरा मतलब है कि वो मुंबई में हमारी चौल है ना, ढोलक वाला चौल, तो वहीं रोड के किनारे एक दुकान पर साहब जी मुझे मिले थे। उन्होंने मुझसे थोड़ी बातचीत की, फिर उसके बाद वो हमारे गणपति पंडाल में आए थे। दोबारा वो आनंद सदन में मिले थे मुझे, जहाँ मैं काम करने जाती थी। तुम आनंद सदन में काम करती थी? हाँ। फिर उसके बाद बदायूं में मिले साहब जी। मैडम जी, निकाल दो ना इसे। इस लड़की के सारे जरूरी कागजात तैयार करो फौरन। क्या जलेबी दीदी, लगता है इस घर के नियम कायदे बदल रहे हैं। पहली बार मीनिका मैडम सर्वेंट क्वार्टर आई है, वो भी आपसे नहीं उससे मिलने। मैडम ने उसे डांटा है या इनाम दिया कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ एक लड़की है जिसके पास 4-5 महीने का एक बच्चा है। कह रही थी कि वो मुंबई के ढोलक वाले चौल में रहती थी। हमें तुमसे अर्जेंटली मिलना है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कंगन है ना, ये मुझे किसी से गिफ्ट में मिला था, पर इसके अंदर देखिए आप ही की दुकान का नाम लिखा हुआ है। एकदम सही कहा आपने, ये कंगन हमारी दुकान के ही बने हैं। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें ये कुछ अलग सा निशान भी है। देखिए, जिन्होंने मुझे कंगन दिया था ना, उनका नाम दामिनी है। आप उनके पति का मुझे नाम और पता दे सकते हैं क्या? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक देखिए बहन जी, ये जो डिजाइन है ना वो बहुत पुरानी है, और ऐसी डिजाइन तो मैंने भी कभी नहीं देखी, और शायद जब से मैं यहाँ आया हूँ ये उसके भी पहले की है, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना मैं सबसे पूछूंगा, और कुछ भी पता चलेगा ना तो मैं आपको ज़रूर फ़ोन पे कुछ बता दूँगा। आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे। जी लीजिए। ठीक है, मदद के लिए आपका धन्यवाद। जी सेठ जी। हाँ, आप लोग देख लीजिए, कुछ दिखाना था।
अरे ये निशान तो भारद्वाज फैमिली का ट्रेडमार्क है, उनके हर कॉलेज में ये निशान मौजूद है। पर ये कंगन तुम्हें मिले कहाँ से? सेठ जी, एक लड़की आई थी, मैं देख कर आता हूँ उसे। हाँ, देखो देखो। ये भारद्वाज फैमिली का खानदानी कंगन है। उनकी हर पीढ़ी में बड़े बेटे की पत्नी को ये कंगन दिया जाता है। उस लड़की के पास ये कंगन कहाँ से आया और वो भारद्वाज फैमिली का पता क्यों ढूंढ रही है, ये पता लगाओ। हाँ सेठ जी, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, मैं बात करता हूँ। जल्दी। मैडम जी, एक औरत बुर्का पहन के आई है, आपसे मिलना चाहती है। बोल रही है मेहंदी वाली है। हमने किसी मेहंदी वाली को नहीं बुलाया है, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो जलेबी, कि हम फजूल लोगों से कभी नहीं मिलते। जाओ, जाकर देखो बात क्या है। मैडम जी, मैंने उससे कहा था, लेकिन वो तो जिद कर रही है आपसे मिलने की। बड़ा इंतजार करवाया मैडम जी आपने। बड़ा इंतजार करने के बाद भी हम तुमसे मिलने आए हैं, ये तुम्हारी खुशकिस्मती समझो। कौन हो तुम, क्यों यहाँ आई हो? जलेबी हमसे कह रही थी कि तुम हमसे साधना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम यहाँ क्यों आई? अरे आप ही तो मिलना चाहती थी ना। हाँ, हम तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ भारद्वाज मेंशन में नहीं। तुम जानती हो ना, माधव तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, वो तुम्हें पहचान जाएगा, और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हम सब। दामिनी जी का फोटो यहाँ पर कैसे?